दीगर खबरें, खाजा सराओं पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात, मुतासरा अफराद की बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अब तरबियत याफ्ता खाजा सरा बनेंगे मददगार। वो कैसे, जानते हैं राहम यूसुफ जई की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं की बनेंगी अब फोर्स, जो किसी भी नाखुशगवार वाकये में जख्मी ख्वाजा सरा को बर वक्त फराहम कर सकेंगे तिब्बी इमदाद। पाकिस्तान हिलाल अहमर ने पहले फेज में 10 ख्वाजा सराओं को तरबियत देकर बना दिया फोर्स का हिस्सा। मकसद ये था कि ये उन हालात के लिए तैयार हो जाएं कि अगर इनके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो ये अपने और दूसरे लोगों की मदद कर सके। ख्वाजा सराओं ने तरबियत के निकात को खुश आइन करार दिया। ख्वाजा सरा अफराद के साथ मुसलसल ये हादसात पेश आते रहते हैं, लेकिन हमें मतलब मेडिकल एड की वो अलिफ बे भी नहीं पता ना, तो इस ट्रेनिंग से इतना हुआ कि हमारे साथियों को फर्स्ट एड के बारे में पता चला कि अगर जख्मी कोई हो जाए तो उसकी तिब्बी इमदाद कैसे करनी है, जख्मों पे पट्टी कैसे लगानी है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 5 सालों में 60 से ज्यादा ख्वाजा सरा कतल, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ रहम यूसुफ़ज़ई, समा, पेशावर।